अभी का नज़ारा कुछ ऐसा है, और अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं और कोहरा ऐसे करने लगा है। बोलते हैं कि छठ के बाद ठंडी पूरी तरह से आ जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मैं रनिंग करने नहीं गया था, छूट गया आज का रनिंग, लेकिन एक्सरसाइज कर लेंगे। क्यों नहीं गया था उसका कारण था कि मेरा पैर और कमर में दर्द होने लगा रात को, तो उसके कारण लेट उठे भी और अभी तक हल्का है, तो चलो अब एक्सरसाइज कर लेते हैं यहीं पे। और क्या बोला, अभी तक देख सकते हो चारों तरफ कोहरा कोहरा है हल्का हल्का, क्योंकि अब छठ के बाद ठंडी तो आ ही जाता है, तो आ गया ठंडी और हवा भी हल्का है, जैसे बोलते हैं शीतलहरी चल रहा है वैसा वाला। तो मिलते हैं आज, क्या क्या होता है वो सारा कुछ। हमारे छत पे से कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है, बीच में हमारा एक पेड़ है और आगे भी है अमरुद का, और ये आगे बना था वो सामने में ट्रैक्टर है, और ये चारों तरफ गांव का हमारा नज़ारा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है यार अपने गांव में। फिर इसके बाद बुगी को लाते हैं अपने घर, और ये खेलने लगते हैं इसके साथ, मस्ती करते हैं यार, क्योंकि टाइम तो सुबह का 1 घंटा इसके साथ बनता है अपने का। बहुत अच्छा लगता है मेरे को बच्चों के साथ। फिर उसके बाद 9-10 बजे पानी डालता हूँ खेत में, क्योंकि इसको हल्का गीला करके कोड़ना था, गोभी अभी तक लगाया नहीं हूँ, तो इसको कोड़ लेता हूँ। 2 बजे के दोपहर में हल्का सूख जाता है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वो कौन सा फल है, ऑरेंज है कि लेमन है, तो ये है लेमन ही है, बस इसका तो साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। फिर सतीश अपने घर बुला लेता है, तो वहाँ पर जाते थे, बर्थडे पार्टी रहता है, तो कुछ हम लोग नौटंकी करने लगते हैं, बैलून फुलाते हैं, क्योंकि एक छोटा सा पार्टी है, कोई बड़ा नहीं है, तो बस अपना खुद से ऑर्गेनाइज ये सारा कुछ करते हैं। दोनों में कंपटीशन होता है कौन ज़्यादा बैलून फुलाता है, और देखो मस्ती के चक्कर में बैलून ही फोड़ देते हैं अच्छा लगता है। फिर उसके बाद कर देते हैं सारा कुछ अरेंजमेंट, फिर उसके बाद खाना वाना खा के फिर निकल जाते हैं रात को अपने घर। सतीश मुझे घर पे छोड़ने आ जाता है, फिर घर पे पहुंच के सोचता हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया, आज थोड़ा दिन उतना अच्छा रहा कि नहीं, यही सोचता हूँ। फिर काम तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, जैसे एडिटिंग करना, कैमरा में से और भी वीडियो निकाल के एडिट करता हूँ, फिर भी जय श्री राम का नाम लेके सो जाता हूँ। बाय बाय, टेक।